सिप लूज हो रही है, वो भी मेरी गलती की वजह से। अब क्या करूं? दिल की आवाज सुनो। अभी इसने बोला, इसने बोला है? दिल की आवाज तो कह रही है कि मुझे उस चश्मेश की मदद करनी चाहिए। क्या हुआ कॉकरोच? अरे तुम पागल हो गए, बार बार कॉकरोच का ड्रामा थोड़ी खेलेंगे। खड़ी रहो ऐसी। कहाँ हैं आप? यहीं पर हूँ। चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो ना। अरे कहाँ? आती बुला रही है, चलो। आती है? ये उधर नहीं। वो नहीं। कहाँ है? इधर क्यों होंगी दादी? दादी इधर ही। हेलो, कर क्या रहे हैं आप? कहाँ हैं दादी? मुझे तो कहीं नहीं नजर आ रही। कहाँ हैं? मुझे ऐसे छू क्यों रहे? यहाँ तो हमें कोई नहीं देख रहा। क्या बोलूँ मैं इसे? अगर इसे मैंने कुछ भी बोला ना तो ये तो यही शुरू हो जाएगी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? भलाई का जमाना ही नहीं है, है ना? किसकी भलाई? तुम्हारी भलाई। कैसी भलाई? थोड़ी देर में पता चल जाएगा तुम्हें। थोड़ी देर में नहीं, मुझे अभी पता चल गया। आप जरूर मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं। अगले भाई, आज तुम्हारा आखिरी दिन है इस घर में, मैं तुम्हारे खिलाफ क्यों कुछ प्लान करूंगा? आखिरी दिन है तो क्या हुआ? वैसे मेरी भलाई करते करते कहीं आपका नुकसान ना हो जाए। गर्लफ्रेंड आपकी, आप तो मेरे साथ इस तरह देखेगी ना, या तो खुद जल भून के जला दी। प्रज्ञा बेटा इधर आना। जी आई दादी। ऑल द बेस्ट। चश्मेश, इसके पास जाओ, इसके पास जाओ, या उसके पास जाओ, पूरा पास जाओ। तो मैडम फाइनली आपको हमारे लिए टाइम मिल ही गया ना, वरना हमें तो लग रहा था कि तू तो हमें भूल ही गई है। कितने प्लान कैंसिल किए तेरी वजह से पता है तुझे, पर तू है कि आने का नाम ही नहीं लेती। तुम लोगों को पता है ना मेरी दी की शादी हुई, उसमें बिजी थी, और उसके बाद दी के फैमिली में एक और शादी थी। बट पक्का नेक्स्ट टाइम पक्का चलेंगे। हाँ हाँ नेक्स्ट टाइम तो पक्का आएगी ना, अपने बॉयफ्रेंड के साथ। बॉयफ्रेंड? अब हमसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो लग ही रहा था कि ये हमसे झूठ बोलेगी, इसीलिए मैंने तेरी लास्ट प्रोफाइल पिक्चर अपने फोन में सेव करके रखी थी। यही बॉयफ्रेंड है ना तेरा? अरे क्या कर रही है बुलबुल? डिलीट क्यों किया? क्योंकि इसकी शादी आज किसी और से हो रही है। मतलब? जिस तरह से इसकी पिक्चर तेरे फोन से हटा दी ना, काश मेरे दिल और दिमाग से भी हटा पाती। बुलबुल दैट्स रियली सैड यार, कि सब लड़के ना ऐसे ही होते हैं, आज इसके साथ कल उसके साथ, इनका कोई भरोसा नहीं होता। पर तू टेंशन मत ले, देखना ये कभी खुश नहीं रहेगा। नहीं पूरब ऐसा नहीं है, बहुत प्यार करता है मुझसे, ही रियली लव्स मी, बट वो ये शादी मेरे कहने पे कर रहा है। वो मुझसे इतना प्यार करता है ना कि मेरे लिए मुझसे ही अलग हो गया। अच्छी है ना? बहुत प्यारी है तेरी नीली छतरी, लेकिन अभी तो बंद कर। अरे आप अच्छे से देख तो लो, बहुत सुंदर है। रॉबिन ये अंदर है। पर उसको क्यों दे रहा हूँ? अरे खरीद के लेके आई हूँ। कितना वक्त लगा दिया आपने? जयमाल की विधि बस शुरू ही होने वाली दी। माँ ने तो एक घंटा यही सोचने में लगा दिया कि वहां जाके सबसे नजरे कैसे मिलाएंगे। मैं जानती हूँ ना, अपमान होने के बाद आप कभी यहाँ वापस नहीं आती, अगर आप आई हैं तो सिर्फ मेरी खुशी के लिए। बात तो गलत ही थी ना, अपने घर के बेटे ने इतनी गलत बात की है तो शर्मिंदगी तो होगी, लेकिन तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखेंगे ना तो सब शर्मिंदगी दूर हो जाएगी। अब पुनीत को लेकर जो भी हंगामा हुआ, घर में किसी का बर्ताव बदला तो नहीं ना तेरे लिए? मेरा मतलब है कि
अभी की दादी आलिया खुद अभी किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं कहा। यहाँ तो उल्टा सब मुझे और ज्यादा खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस बात के बारे में सोचकर मैं कहीं उदास ना हो जाऊं। माँ, बुलबुल, बताओ बीजी, आप ही ने कहा था ना कि आप प्रज्ञा से बात कर लो। हाँ हाँ, तो बताती हूँ ना, वो बेटा उसकी किसी फ्रेंड का बर्थडे था, बहुत जिद कर रही थी तो मैंने भेज दिया। मैं भी भेज देती लेकिन आज जाने की क्या जरूरत थी, और वैसे भी इतनी सारी सहेलियां बनाती रहती, इस सहेली का तो मैंने नाम भी नहीं सुना। और कोई भी सहेली तेर से बढ़कर है क्या? मैं जानती हूँ बुलबुल, तो पूरा बुरालिया की शादी नहीं देख सकती इसलिए नहीं आई। तो मेरे लिए कितना कुछ सह रही है और मैं चाहकर भी तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। प्रज्ञा पुत्र जी, साला जी, नमस्ते जी, मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों को देखकर। जल्दी चलिए, जयमाला का वक्त हो रहा, आइए आइए, जल्दी आइए। बेटा तू चल, हम लोग आते हैं। हाँ, जल्दी आना। ए, क्या सोच रही? यही सोच रही ना कि तुम्हें वहां होना चाहिए था जहां आलिया है। ओह माय गॉड, तकलीफ हो रही है ना तुम्हें? अच्छा है, क्योंकि जितनी तकलीफ तुम्हें होगी ना, नहीं अच्छा मुझे लगता है। फाइनली जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। आइए सब मिलके जयमाला की रस्म शुरू करते, आइए आइए। तुम्हें ही पर बुला, मैं अंदर जा रहा हूं। रहने दो ना, कहीं ऐसा ना हो कि इसका मूड ही बदल जाए। वैसे अब जयमाला तो हो गई, अब दादी जयमाला के बाद क्या होता है? फेरे। फेरे के बाद विदाई, और उसके बाद शादी का। Congratulations. अब ना तुम हमारे और ना हम तेरे, एक बार हो जाए फिर चलता हूं, इतनी सारी तैयारी भी तो करनी। अरे दादी, तेरे का इंतजाम भी तो करना है, चलो मेरे साथ। अरे हाँ, हाँ। अरे चल चल चल, चल। Excuse. Congratulations. Finally, शादी हो ही गई, वो तो होनी थी क्योंकि आजा जो ठान लेती है उसे पूरा करके ही रहती है। तो मतलब अब जैसे ही शादी हुई वैसे ही प्रज्ञा की इस घर से विदाई होने वाली है। बुलबुल की फैमिली आई है, पर बुलबुल कहाँ है? प्रज्ञा थी, बुलबुल का है? पूरब, तुम्हारी शादी है आज, अब तुम बुलबुल के बारे में ना ही सोचो, इसी में सबका भला होगा। पूर्वी, पूर्वी बुलबुल का है? वो तो आई नहीं। क्यों? क्यों वो तो मुझे पता नहीं, एक्चुअली वो सुबह सुबह ही जल्दी जल्दी में कहीं निकल गई, पर वैसे भी आजकल उससे कुछ पूछो तो वो बताती नहीं, पता नहीं क्या हो गया उसे आजकल, थोड़ी अजीब सी हो गई है। मेरी जिप, रॉबिन, ये हलवा मंडप पे रख।
अब क्या करूं? कमरा भी इतना दूर है, कैसे जाऊं? यहाँ चल भी नेट का इसमें से। पूर्वी, ये पूर्वी कहाँ चली गई? कहीं दिख नहीं रही। किसे बुलाऊं मदद के लिए? महारानी साहिबा, आप यहाँ पर खड़ी हैं? आपका गुलाम हाजिर है, आप चलेंगे? दादी बुला रही है। कौन? क्या? ए, महारानी का बुला लिया, सच में महारानी समझने लगी अपने आपको? मुझे ना बोलो, चलो दादी। ब्लाउज खुला है पीछे से। अरे तो क्या, तो जाऊं कैसे? पता नहीं कैसे खुल गया, मैंने तो ठीक से आपने ठीक से बंद किया था ना? हाँ ठीक से तो बंद किया था। एक मिनट, आप मेरे पीछे हाथ रख के क्यों घूम रहे? आपको पता था कि मेरे जिप टूट गया? कहीं आपने जानबूझ के? जानबूझ कर क्यों तोड़ूंगा? टूट गया तब। मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन मुझे लगा तुम मेरे साथ लड़ोगी। इतनी बड़ी बात अगर नहीं बताएंगे तो लड़ूंगी नहीं, तो क्या करूंगी? अरे बताया नहीं तो क्या हुआ? हेल्प तो क्या ना तुम्हारी? अब तुम ही हो जो, तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जब मैं हेल्प कर रहा था, क्या कह रही थी तुम मुझसे? कि मैं कोई प्लान कर रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड देख रही है, अब सभी लोग तुम्हें देखेंगे। खड़ी रहो यहाँ पर, स्टैचू ऑफ चश्मिश बन के। रुकिए, देखिए मुझे मुझे कमरे तक ले जाइए, कमरे में जाके मैं बदल लूंगी। लेकिन तुम्हें तो मेरी हेल्प ही नहीं चाहिए, क्यों लेके जाओ? पति के नाते ना सही, दोस्त के नाते तुम। दोस्त? कौन सा दोस्त? कहाँ का दोस्त? कब का दोस्त? दोस्त कब बन गया? अच्छा ठीक है, इंसान होने के नाते ठीक है, करूंगा हेल्प। लेकिन तुम मुझे रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट, आई लाइक रिक्वेस्ट। नहीं करोगे? ठीक है प्लीज प्लीज मुझे कमरे तक ले चलिए। देखो शब्दों का इस्तेमाल तो तुमने सही किया, लेकिन तुम्हारे जो फीलिंग्स थे ना, वो थोड़े कम थे। थोड़ा और फीलिंग्स के साथ बोलो, लिटिल मोर फीलिंग्स। तुम इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो, तुम तो कर ही सकते हो। आप कितने अच्छे इंसान, आप किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, और इस वक्त मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। बिलीवेबल यार, माइंड ब्लोइंग, तुम सच बोलते वक्त कितनी अच्छी लगती हो। प्लीज मुझे कमरे तक ले चलो। प्लीज में मजा ना ऐसे, प्रीटी प्लीज, प्रीटी प्लीज। तुमने मुझे प्रीटी कहा? लेकिन आई मस्ट बी प्रीटी। कहाँ जाना है? कमरे तक। किसके? आपके। आज तुम सब कुछ सही सही कैसे बोल रहे हो? ओके ओके। दोनों मुझे यहीं मिलके। चलो तुम लोगों को दीदी बुला रही है। नहीं दासी, अभी नहीं, अभी कमरे में कुछ काम है। कमरा? अभी अभी कमरा नहीं, पहले रस्में तो पूरी कर लो। वैसे मैं तुम दोनों को बाद में परमिशन दिला दूंगी ना। वैसे मुझे पता है कि तुम दोनों का दिल कमरे में अकेले रहने को कर रहा है। प्रज्ञा, पूरब की शादी के मुहूर्त निकले जा रहा है। आओ आओ चलो। अरे क्या हो गया भाई? ओए दीदी, ये तो अच्छा हो मैंने इन्हें यहाँ रोक रखा है, वरना इनका प्लान तो कुछ और ही था। कैसा प्लान? हाँ वो हनीमून। नहीं मेरा मतलब ये है कि शादी पूरब की हो रही है, मस्ती इन दोनों को सूझ रही है। मस्ती तुझे भी बहुत सूझ रही है। बेटा पंडित जी ने कोई विधि करानी है आप लोगों से। चलो आओ आओ, चलो आओ आओ। ओहो, छोड़ी नहीं रहे एक दूसरे को। आप लोग इस कलश को हाथ लगाइए, बाया नहीं दाहिना हाथ। पंडित जी क्या फर्क पड़ता है दाहिना या बाया? फर्क पड़ता है, देखिए आप परिवार की श्रेष्ठ है, आप ही बताइए इन्हें। दीदी ने दाहिना हाथ। दादी जी प्लीज। अच्छा अच्छा कोई बात। पंडित जी बात दरअसल ये है कि ये अपने राइट काम जो है ना वो लेफ्ट हैंड से करता है, और इसका राइट हैंड जो है ना
बिल्कुल प्रॉपर जगह पर बैठा हुआ है। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नतस्य न जायते। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? तो हाथ हटा दो। एक मिनट में अच्छे से पूरे बन जाएंगे। जिम्मेदारी उठाइए तो निभानी भी पड़ेगी। क्या बात है तनु? मैडम तेरी विश तो पूरी हो गई, अब मेरी विश का क्या? कब जाएगी वो बहन जी इस घर से? Why don't you relax, sweetheart? शादी मेरी हो रही है लेकिन विदाई होगी उस बहन जी की, वो भी कल सुबह। कितना सोचती है ना तू तनु, इतना सोचेगी ना तुझे हाई बीपी हो जाएगा किससे। और तूने देखा नहीं भाई कितने खुश हैं, क्योंकि भाई अच्छे से जानते हैं कि आलिया कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी जिसकी वजह से कल सुबह वो बहन जी इस घर से जलील होकर धक्के मार के बाहर निकाली जाएगी। तो यू जस्ट डोंट वरी, क्योंकि कल भाई का फ्रीडम डे होगा और इस सबको ना मेरी तरफ से अपने लिए वेडिंग गिफ्ट समझना, तेरा और भाई का वेडिंग गिफ्ट। और इस सबको मैं अपने लिए हनीमून गिफ्ट समझूंगी। आई होप ऐसा ही हो, क्योंकि मैं उस बहन जी को एक सेकंड भी अभी के साथ नहीं देख सकती। मैंने कहा ना सुधार, रिलैक्स। कल सुबह का सनराइज इस दुनिया की सबसे छोटी शादी का दी एंड देखने वाला है। तुमने अभी अभी कहा था ना पूरब मुझसे कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो। पूरब, मेरी खुशी मेरी बहन की खुशी में, और मेरी बहन के लिए तुम्हें आलिया से शादी करनी होगी। अभी भी वक्त है पूरब, पर मैं सारी जिंदगी तू उसे याद करता रहेगा। पूरब तुम्हारी शादी है आज, तुम बुलबुल के बारे में ना ही सोचो, इसी में सबका पता। तुम्हारा नंबर ब्लॉक करने से तुम्हारे फोन कॉल्स कोई नहीं शायद तुम्हारी यादों को आने से रोक सकूं। आज से हम कभी बात नहीं करेंगे पूरे, क्योंकि आज तुम्हारी शादी है। शायद अब तक हो भी चुकी होगी। चलो चलो चलो, अब रुकना मत, फिर चाहे आंधी आए तूफान आए हम नहीं रुकेंगे। कम ऑन। अवॉइड कर रहे हो तुम मुझे? मैं क्यों अवॉइड करूंगा, यू क्रेजी। ए चल चल, किधर जा रही, किधर? आपने तो कहा था कि आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए रुकना नहीं, कमरे में जाना। कमरे? व्हाट इज दिस हैपनिंग अभी? नथिंग तनु, एक्चुअली। हाथ हटाओ वहां से। आई कांट बिलीव, आई एम टॉकिंग। व्हाट कर रही हो? नहीं हटा सकता मैं। क्यों नहीं हटा सकते? इसका ब्लाउज खुल गया। क्या कर रहे हो आपकी गर्लफ्रेंड है मेरी? तुम्हें इसकी हेल्प कर रहा हूँ, इसे कमरे तक ले जाओ, चलो। क्यों हेल्प कर रहे हो इसकी? होने दो इंसल्ट। अरे तनु, इसका ब्लाउज मेरी वजह से खुला है, मैं इसका ब्लाउज बंद कर रहा था तभी वो। नहीं तनु, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं उस तरफ देख के ब्लाउज बंद कर रहा था, ब्लाउज बंद करने के लिए कोई नहीं था और नीचे बारात आ गई थी, इसलिए जल्दी जल्दी में हुक मेरे हाथ में आ गया था। आई कांट एक्सप्लेन तनु, आई हैव टू टेक हर टू द रूम, प्लीज अंडरस्टैंड। आई तुम चलो ना, तुम क्या खड़ी हो? क्या कर रही है? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है और आप मुझे सुना रहे हैं? तो और किसे सुनो? खुद को, क्योंकि गलती आपकी। अरे गलती तुम्हारी है, किसने कहा था ये साड़ी और ब्लाउज पहनने के लिए? तुम सलवार सूट भी तो पहन सकती थी ना, और दिखती तो तुम अच्छी दोनों में नहीं हो। जिनके लिए पहनती हूँ ना उन्हें अच्छी लगती हूँ, आपको कैसी लगती हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटीट्यूड, बाय। नहीं प्लीज, मजबूरी है ना, मैं आपको मुझे हाथ भी नहीं लगाने। अरे मेरी भी मजबूरी है, वरना तुम्हें हाथ लगाने से अच्छा मैं किसी कोयले को पकड़ के अपना हाथ काला कर लेता। अब देख क्या रही हो, ब्लाउज खुला है, पंच मार के सर भी खोलूंगा। चलो ऊपर। अभी मैं तो बेकार में टेंशन ले रही, ये दोनों तो झगड़ दैट शोस कि इन दोनों को एक दूसरे से बहुत। संभल के पर संभल के। वैसे बाय द वे तनु, तुम ये किसके बारे में बात कर रही थी? है कपल, अभी नई नई शादी हुई है, पर बेचारे हमेशा झगड़ते ही रहते।
तने तुम्हें पता है लड़ाई झगड़े नोक झोंक रिश्ते की शुरुआत होती है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, मैं भी अपने पति से रोज झगड़ा करती थी, पर ये लड़ाई झगड़े नोक झोंक का प्यार बीच कन्वर्ट हो गई, हमें पता ही नहीं चला। झगड़े से अंदर का गुस्सा बाहर आता है और अंदर रह जाता है सिर्फ प्यार, और उसी दो इंसान मिलकर शेयर करते हैं। और तुम जिनकी बात कर रही हो ना, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। नोक झोंक करते करते वो कब एक दूसरे से प्यार कर बैठेंगे ये उन्हें भी नहीं पता चलेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया उनकी मिसाल देगी और जलने वाले जलते रहेंगे।